विजय जी इसका जवाब भी आपको मिलेगा। और ओके, लगातार हमें मैडम, सीमा मैडम जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल लूंगा विजय जी आगे आपसे। जी सीमा जी जवाब दीजिए। मैंने जैसे बोला आपको कि हमने जो बोर्ड बनाया था हमारी नीयत अच्छी थी, लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा था कि या अभी भी लग रहा है कि हमको कुछ उसमें जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए तो आप बोल देते, लेकिन अगर आप यही कहते हो कि बोर्ड भंग होना चाहिए तो देखिए उस पे भी विचार चल रहा है। अभी 30 तारीख कोई बहुत दूर नहीं है। दो साल थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं, कितनी बार बैठक हुई सरकार? देखिए दो साल से तो सर कोरोना निकल गया, डेढ़ साल तो कोरोना में ही निकल गया, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो। आपने कहा ना इनकी नाराजगी वाजिब है या नहीं, वो तो मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ, आप बता नहीं रहे, लेकिन इनसे पूछ तो रहा हूँ दो साल में कितनी बार आप लोगों ने इनको मनाने की कोशिश की। उसी जगह खड़ी हूँ ना जो सरकार है, तो मैं तो ऐसे कैसे कह दूं कि वाजिब है? मैं ये जरूर कहती हूँ कि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ नहीं मनाया, केवल 11 सितंबर को इसी साल 11 सितंबर को पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल करते हुए हमारे चार धामों के तीर्थ पुरोहितों को बुलाया और हमें बातचीत के लिए आश्वासन दिया, क्योंकि उस समय हमारा धरना प्रदर्शन बड़ा तीव्र था और इनको मालूम था कि चारों धामों की यात्रा चलने वाली है, विरोध होगा तो ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से सूचनाएं जाएंगी, जो तीर्थ यात्री आएंगे वो भी यहाँ के बदहाल देखेंगे, स्थितियां देखेंगे, तीर्थ पुरोहितों को नारे प्रदर्शन करते हुए देखेंगे। इसलिए उन्होंने उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमें जो है देहरादून में बुला करके 11 तारीख को मीटिंग करा करके आश्वासन दे करके 30 अक्टूबर की तारीख हमसे ली। 30 अक्टूबर तक इन्होंने हमें कहा था कि देवस्थान पर कोई भी कोई ना हम ठोस निर्णय लेंगे। उसके बाद इन्होंने 30 के बजाय या 30 नवंबर की डेट दे दी है। सिर्फ इसके भंग करने की मांग पर अड़े या फिर आप ये चाहते हैं कि हाँ ये समस्या इसका समाधान हो जाए, बोर्ड बरकरार रहे? हम तो जी तिलक जी, हम तो आपके माध्यम से इनसे जानना चाह रहे हैं कि यदि यह देवस्थानम बोर्ड वाकई में बहुत बढ़िया है, जैसा मैडम कह रही थी कि बहुत खूबसूरत है, तो ये तो बता दे, जनता को बता दे, तीर्थ पुरोहितों को बता दे, पूरे भारतवर्ष को बता दे कि जो हमने देवस्थानम प्रबंधन एक्ट जो है उत्तराखंड में लागू किया है ये बहुत बढ़िया, तो इसकी 5 उपलब्धि बता दीजिए। मैं तो दो बोला मैडम, खामियां बता देता हूँ मैं। लखपत जी आ रहा हूँ, प्लीज पहले सरकार और जरा तीर्थ पुरोहितों के बीच में बात हो जाए, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। लखपत जी आपको भी पूरा वक्त दूंगा। मैं इनकी 5 खामियां बताता हूँ। नहीं 5 छोड़िए, मैं 3 पूछ रहा था, वो तो हेलीकॉप्टर मेरे को बता दिया उन्होंने, मैंने तो सिर्फ 3 पूछी। मैडम बताइए जरा, सीमा मैडम 3 बड़ी उपलब्धि बता दीजिए। सर देखिए रोड कनेक्टिविटी कितनी बढ़िया होगी, पहले थी, पहले रोड कनेक्टिविटी थी ऐसी, अरे रोड पहले सुविधाएं जो थी वो ऐसी थी, सुविधाएं जैसे आज 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 जैसे है वैसे थी, बिल्कुल वैसे ही था। देवस्थानम का काम सड़क बनाना नहीं है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपसे वैसे पूछ रही हूँ कि जो जैसा देवस्थानम बोर्ड पहले था, आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, बिना अध्ययन के आप बैठ जाती है। अच्छा देवस्थानम बोर्ड ने सड़क बना दिया, एक सेकंड प्लीज, मिल गए आपको। अच्छा एक दो साल में कितना काल कोरोना काल में चला गया। ओके सीमा जी, आप कह रही है देवस्थानम बोर्ड ने सड़क बना दी, इसके आगे कौन सी उपलब्धि है? अरे मैं सर पूछ रही हूँ कि दो साल दो पहले बोर्ड बना, उसके बाद कितना टाइम कोरोना काल में चला गया, ये भी बता दीजिए। कोरोना काल था जिस वजह से इनका भला नहीं हो पाया, वरना तीर्थ पुरोहितों का भला हो जाता है। भला की बात नहीं, अब लखपत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, संगीता जी आपके पास, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। आप तब से विरोध में ही मैं बहुत एक बात को लेकर बड़ा हैरान हूँ लखपत जी, करते ना आप उसमें। लखपत जी मैं एक बात को लेकर बड़ा हैरान हूँ, वो हैरानी इस बात को लेकर है कि वो एक तथाकथित फिल्म स्टार है कंगना, वो कुछ बोलती है तो खबर बन जाती है, और चार धाम यात्रा का मतलब पूरे देश के नजरिए से आस्था का जुड़ा हुआ विषय, और वहां तीर्थ पुरोहित दो साल से अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, खबर नहीं बनती, मुद्दा नहीं बनता, पूछा नहीं जाता सरकार से कि हमारे तीर्थ पुरोहित क्यों नाराज हैं, क्यों आंदोलन पर हैं, लेकिन वो कंगना कुछ बोल दे तो उस पर पूरे देश में आग लग जाती है, तथाकथित एक्टर, तथाकथित जिसे मैं बोलता हूं। एक सेकंड मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ रहा हूं। मैंने यह तारीख का जिक्र इसलिए किया था कि 11 सितंबर 2021, कितना 11 सितंबर 2021, जहां तक मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने शायद 30 अक्टूबर तक का आश्वासन दिया था, अगर ब्रिजेश जी मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। 30 अक्टूबर, आप सही है जी, 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझा लिया जाएगा। सीमा जी मैं गलत तो नहीं हूं? बिल्कुल। आज तारीख कितनी हो गई जी? 23 नवंबर मुख्यमंत्री ने बोला था 30 अक्टूबर, राज्य के सूबे के
सबसे बड़े मुखिया ने बोला था 30 अक्टूबर, आप नवंबर आ गया मैडम, प्लीज मीटिंग को टाइम तो दिया है 30 नवंबर तक आपका सुलझ जाएगा मैडम। 30 अक्टूबर को भी तो आपने यही कहा था, 30 अक्टूबर की डेडलाइन किसने दी थी? देखिए सर, बोला है उनको 30 नवंबर को, तो 30 नवंबर तक हो जाएगा मैडम। 30 अक्टूबर की डेडलाइन मुख्यमंत्री जी ने दी थी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी बीच में, आपको भी पता था। इस बात की क्या गारंटी कि 30 नवंबर तक सुलझ जाएगा? नहीं, यहाँ भी कोरोना आ गया था क्या? कोरोना आ गया? कोरोना की बात नहीं है सर, अंदर हम लोग बातें चल रही थी अंदर की, किस तरीके से इसको करें, और आप लोगों को इसलिए बुलाया भी गया था, धामी जी ने भी आपसे बात करी कि कुछ हो सकता है इसमें, समिति भी गठित करने की कोशिश करी, लेकिन जब सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा तो अब आगे चल रहा है विचार विमर्श। नहीं, विचार विमर्श हो जाएगा आपका, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ये विपक्ष वाले पहले क्यों नहीं आए? अगर इनको इतना ही लग रहा था कि आप लोग सही हो तो पहले क्यों नहीं आए? आज आपके आह्वान करने पर आ रहे, वो भी इलेक्शन के टाइम। आप सोचिए ना, अगर इनके दिल में आपके लिए श्रद्धा होती या देवस्थानम बोर्ड के लिए श्रद्धा होती तो ये पहले आते, पहले जाके ऊपर बैठते ना आपके साथ ठंड में धरने पे, तब तो नहीं बैठे। आपने लखपत साहब सुना, आपने ये कह रहे जाके ठंड में बैठते तब पता चलता है इनको, आज सियासत कर रहे क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है। आप कदम पीछे खींचेंगे चुनाव की वजह से नहीं खींचेंगी, चुनाव क्योंकि आप ही के बड़े नेताओं ने कहा कि ये भंग होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है, हम क्यों भंग करेंगे इस बोर्ड को, इससे तो कल्याण होगा, और आज आप कह रहे हैं कि विचार चल रहा है इस पर। कल्याण तो किसान आंदोलन में भी हो रहा था, है ना, लेकिन जब बच्चों की जिद के आगे पिता झुक गया तो हम यहाँ भी सोचेंगे मैडम, सोचेंगे आपके कुछ तो, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा, जरूर निकलेगा। ऐसी ये बताओ, यहाँ बैठ के मैं आपके मंच से मैं आश्वासन दे रही हूँ इनको कि सोल्यूशन जरूर निकलेगा। भगवान भला करे तीर्थ पुरोहित बैठे हुए हैं, कोई और धरने पर बैठा होता तो फिर उनको भी खालिस्तानी पाकिस्तानी जो खालिस्तानी थे आप ना, मैं आपकी ना बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत सच बोलते हो, ठीक है एंकर साहब, लेकिन आपको भी पता है कि उस आंदोलन में खालिस्तानी भी आए और सारे पाकिस्तानी भी आए, सारे आए, लेकिन इनको हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि इनको हम ईश्वर की तरह इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इनको नहीं कहते कभी, ना एक शब्द भी इनका बोला गया। राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विषय हिंदू मुसलमान तो मैं करता ही नहीं। आखिरी सवाल, आपको उम्मीद है सीमा मैडम, मैं जानता हूँ फैसला लेने का अधिकार आपका नहीं है, 30 तारीख तक रास्ता निकल आएगा लगता है आपको, इस वाली 30 को, 30 क्योंकि इसके बाद तो फिर चुनाव है, फिर आचार संहिता है, नाराजगी है, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी, 51 मंदिर प्रबंधन सब कुछ है ना मैडम, और आप भी नहीं चाहेंगे कि उनकी नाराजगी कहीं ऐसा ना हो, सत्ता में वापसी करनी है तो रास्ता तो वहीं से आना है, तो आपको लगता है 30 तारीख तक हो जाएगा फाइनल? जी बिल्कुल, आशा और विश्वास का बंधन कभी तोड़ना नहीं चाहिए, और मैं भी पकड़ के बैठी हूँ जैसे पुरोहित बैठे हैं पकड़ के, यानी बोर्ड का भंग होना निश्चित है, है ना सीमा जी? निश्चित, फिर मैं नहीं बोलूंगी, उम्मीद है, उम्मीद है आपको कि बोर्ड भंग हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।